आज हम माननीय जिला जिलाधीश महोदय से मिलने आए थे। हमने आज महोदय को रिमाइंडर दिया है। इससे पहले हमने 6 जून 2024 को अपनी एक शिकायत दी थी कि शिवालिक हाइड्रो प्रोजेक्ट जो कि कोडला में निर्माणाधीन है, जिसमें कि स्थानीय लोगों को उन्होंने रोज़गार दिया था, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से जो भी हमारी पेमेंट है वो नहीं दे रहे हैं और इसके लिए आनाकानी कर रहे हैं। इसलिए हमने पीछे ज्ञापन दिए थे इनको, लेकिन आज लगभग 3-4 दिन होने के बाद भी कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए हमने इनको रिमाइंडर दिया है कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो भी मजदूर हैं वो दिन में दिहाड़ी लगाते हैं और रात को उनको खाने के लिए या सुबह राशन के लिए पैसे चाहिए होते हैं, जो कि 1 साल से नहीं मिल रहे हैं। इसलिए उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कितने मजदूर हैं? मजदूर 100 से कुछ ज़्यादा है, लेकिन आज 60-70 आए हैं और कुछ आ नहीं पाए। तो इसलिए हमारा माननीय से यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी जो भी हमारी मेहनत है, जो मजदूरी है, जो हमारा हक है, वो दिलाया जाए। नहीं तो कुछ अगर इससे यदि नहीं होती हमारी मांगें, जो भी हमारी मांग है, अगला कदम जो है हम उठा सकते हैं। मैं सुरेंद्र शर्मा ग्राम सचपुर से हूँ। बाकी मेरे सभी साथी जो है कुछ उरेई गटोर और छराड़ी के हैं। हम लोग आए हैं आज उपायुक्त मध्य जी से मिलने। हमारे उधर पंचायतों में एक प्रोजेक्ट लगा है कुंवर कोडला में, शिवाल का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जो कि जिनके मालिकों ने चिटबंद पहले भी एक प्रोजेक्ट लगाया 2008-09 में, वो 2021 में चिटंडे सेकंड लगा था 12.90, उसमें सारे लोग वहाँ के मेहनत मजदूरी कर रहे थे। कुछ शासनिक वजह से उनका प्रोजेक्ट जो रुका पड़ा था, तो उसकी वजह से जो था प्रशासन ने अभी उनके 1 साल बाद 2023 में जो प्रोजेक्ट था उनका था अप्रैल 2023 में, वो किसी कारणवश बंद पड़ा था, तो बीच में कई लोगों को पेमेंटें लेने को थी सिवाल। अब हम 2 दिन का टाइम लेके अभी दोबारा रिमाइंडर देने आए थे और 2 दिन का टाइम लिया। अगर बाई चांस इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती तो उसके जिम्मेवार जो है वो शिवालिक कंपनी होगी और 15 साल तक हम जो है लूणा में चक्का जाम करेंगे।